सब लोग दोस्तों कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती को लेकर काफ़ी स्टूडेंट परेशान है, तो उसी के रिगार्डिंग वीडियो बना रहा हूँ। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले दोस्तों। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में सबसे बड़ी समस्या आ रही है पेपर जो सेकेंड हुआ है बेसिक में, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक में जो पेपर सेकेंड हुआ कंप्यूटर वाला, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट के 40% नंबर नहीं आ रहे, जबकि फर्स्ट पेपर में उनका अच्छा स्कोर है। तो दोस्तों तो 40% का अनिवार्य ख़त्म किया जाएगा या नहीं जाएगा, इस पर बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको ये बात के लिए करना चाहता हूँ कि बोर्ड पर ऐसा कोई पाबंदी नहीं है कि ये ख़त्म करे ही, ठीक है। गवर्नमेंट के पास एक और मौका है, वो दो बार वैकेंसी को काउंट करवा सकती है, क्योंकि सिर पे इलेक्शन है, ठीक है, कि हमने ये इतनी इतनी भर्तियाँ करवाई, ठीक है। याद रखना 10,000 इसमें भी काउंट कर लेंगे, फिर आगे बची हुई पे और करवा लेंगे अगर खाली रहेगी तो। प्लस दूसरी बात कि राजस्व भी आएगा, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है किसी पॉलिटिकल पार्टी या फिर अपने जो बेरोज़गार नेता उनके दबाव में आकर ये करे तो कर दे, वरना कोई पाबंदी नहीं है। हो सकता है हो जाए, मैं नहीं कहता भाई नहीं होगा 100%, हो जाए तो अच्छा है, ठीक है, क्योंकि सीटें खाली रहने से क्या मतलब दोबारा से फॉर्म भरे जाएंगे, फिर वैकेंसी कब आए, ठीक है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम आ जाएगा और थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी डगमगा जाएगा। तो आप लोग अगर आपके 40% से कम है तो ये श्योर मत करना कि अभी कम हो जाएगी और आप लोगों का हो जाएगा, और जिनके 40% से ज़्यादा आ रहे हैं उनका दोनों में आराम से उनका श्योर हो जाएगा, 100% हो जाएगा। ऐसे कम ही बंदे 2,000 होंगे ज़्यादा ज़्यादा जिनके 40 आ रहे हैं अभी, ठीक है, और इससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो आप लोग कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहिए जो भी आपके आगे की एग्ज़ाम है उसके लिए, ठीक है, ये नहीं कि इसके भरोसे बैठ जाए। अब आने वाली वैकेंसी धनाधन आएगी तो आप कंटिन्यू प्रिपरेशन रखिए, एक नहीं तो दूसरे में आपका सिलेक्शन पक्का होगा। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो समझ में आया है, इसलिए मैंने वीडियो बनाया। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।